देखिए ससुर जी, हम आपको थोड़ा समय दे रहे हैं, आपको जो व्यवस्था करना है आप कर लीजिए और हमको बुला लीजिएगा। नहीं तो इस बार हमको बिना बुलाए अगर आना पड़ा ना तो एक एक सामान उठा के लेके जाएंगे, कह दे रहे हैं। अरे हम कह तो दिए बहू, सारा व्यवस्था कर देंगे, एक एक पाई चुका देंगे, थोड़ा मोहलत दो। अगर हमको झोपड़ा में फिर से जाना पड़ा तो चले जाएंगे भाई, किस्मत में यही लिखा है तकलीफ, तो भोगेंगे क्या करेंगे। बस बस, ये सब पैतरा हम पे कोई असर नहीं डालने वाला है। ए दीदी, आगे जो है ना लड्डू और समोसा बहुत बढ़िया मिलता है, आज आपको खिलाते हुए चलते हैं। अरे नहीं भाई, अभी नहीं। अरे गुड्डन, तुम ना बहुत चटोरे हो, चलो ना। भी वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें समय पर पहुंचना चाहिए। एक बार तिलक का विधि व्यवहार हो जाए ना टाइम पे, तो हम लोग समय पर लौट के आ सकते हैं। और हाँ, तुम ना वापसी में जो मनाए खा लेना, अभी बस पहुंचा दो हमको समय। और दीदी, आते वक्त जो है ना तिलक का भोज खाया होगा तो पेट तो ऐसे ही भरी रहेगा। हाँ तो फिर काय खर्चा कराते हो भाई, अब चलो सीधे वही चलो। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, सिंगाड़ा नहीं खा पाएंगे, आप लड्डू खा लेंगे ना, लड्डू मीठा होता है। हाँ, लड्डू खा लेना बस। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो खाली हाथ काहे के लिए जाएं? गाड़ी लेके जा रहे हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करिए जोगेश्वर बाबू कि बहुरिया जा रही है। अरे बाप रे बाप, बाल बाल बच गए। आइए 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 भाई, प्रणाम। नमस्ते। अरे खुश रहिए बेटा, कैसे हैं? नमस्ते। और सर नमस्ते। अरे कैसे हैं बाबू? हम जो है ना सामान निकाल लेते हैं। नहीं नहीं, सामान आ जाएगा। अच्छा अच्छा, आ जाए, आइए आइए। अच्छा, और आप कैसे? आइए आइए आइए, थोड़ा भारी है, पधारिए। जुगनो, बसंती, अरे नाश्ता लाओ, जल्दी आओ, मेहमान आ गए हैं, आओ आओ। एक मिनट। जी जी, चले चले आप। अरे अरे, खुश रहिए खुश रहिए। जीते रहो बेटा। तत्काल मामला सलट गया है बेटा। अरे बैठिए, अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। बैठिए बैठिए, लीजिए लीजिए, नाश्ता लीजिए, आप लोग नाश्ता लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही है जी। अरे ये तो आपका बड़प्पन है, पर हम अभी तिलक के बाद ही कुछ खाएंगे, पहले विधि व्यवहार सब हो जाए फिर खा लेंगे। हाँ हाँ जी। देखो क्या क्या चढ़ावा आया है। जोगेश्वर जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो विधि व्यवहार शुरू करें। हाँ हाँ भाई, कहे नहीं, नेक काम का देरी है, चलिए। ना समझे, क्या कर रहे हैं आप? अरे हमको नहीं चाहिए ये सब। हम पहले भी आपसे बोले चुके हैं भाई। हाँ मगर समधी जी, ये तो शगुन है। अरे अरे जोगेश्वर बाबू, शगुन अविधि व्यवहार में इतना सब तो होता ही है, इतना परंपरा है।
ना ना मतलब ना गुड्डन जी। अब काहे के लिए हमको ये दुविधा में फंसा रहे हैं? अरे नहीं 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 भाई, मतलब हमको कतई भी विश्वास नहीं है लेने देने में। अरे लेकिन थोड़ा सा क्षमा करें। अरे बहन जी, आप कही ना समधी जी से कुछ। ए जी, तनी उधर आइए, हमको आपसे बात करना है। आइए ना, आइए। दिमाग खराब हो गया का तुम्हारा? अरे काहे के लिए बीच तिलक से हमको बुला के ले आई? देखिए जी, ये तो हमको भी पता है कि जो कुछ भी सामान आया है उसके साथ कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो आया है वो तो दोनों हाथ से बटोर लीजिए ना। ये नानुकुर का नाटक काहे कर रहे हैं आप? कौन से हम पाप किए थे जो ये बकलोल बुड़बक औरत हमारा पल्ले पड़ी जाए? हम सही बता रहे हैं, मन कर रहा है ना ये दोनों हाथों से ना तुम्हारा गर्दन दबा दे, ऐसे ऐसे दबा दे। सुनो, आज अगर तुम बंडोलबाजी की ना वो इन सबके सामने, तो ये समझ लो ये हमारा हाथ से ना खून हो जाएगा। ये जो भी सामान मिल रहा है ना ये लेके जाना ऊपर भगवान के पास। काहे के लिए तुम जो है ये क्षणिक सुख के चक्कर में पड़ी हो, निकलो इस चक्कर से। हाँ, जिंदगी भर ऐश करने का सोचो, अब बस इंतजार करो जल्दी से घर पर सर्विस वाली बहू आए। देख रहे हैं सब, सीरियस ना होना, एकदम मुस्कुराती रहना, ऐसे दांत निकाल के नहीं मार दी तुमको। चलो दीदी, तुम सर्विस वाली बहू हो ठीक है, लेकिन देव जी की होने वाली वाइफ भी तो हो ना। फिर ये क्या बात हुई कि तुम छुट्टी नहीं लोगी और घूमने नहीं जाओगी? हमने शादी के लिए पहले ही बहुत छुट्टियां ले ली हैं, अब और छुट्टी नहीं ले सकते नीलू। और वैसे भी हम नए घर नए परिवार में जा रहे हैं, उन लोगों को जानने समझने के लिए भी तो थोड़ा टाइम चाहिए ना, और घूमना फिरना तो बाद में भी हो जाएगा। दीदी, छुट्टी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, और वैसे भी ये तुम्हारे हनीमून का टाइम है जो लाइफ में एक ही बार आता है। और हाँ, हम कुछ नहीं जानते, आप बस ऑफिस में एप्लीकेशन दे दीजिए और अपनी छुट्टी बढ़वा लीजिए। हम हनीमून के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं दे सकते, ये हमसे नहीं होगा। दीदी, आपने अपनी शादी वाली छुट्टियां बढ़वा लो, और वैसे भी आजकल तो हर कोई हनीमून पे जाता है ना। आप ना कश्मीर चले जाओ, लेकिन वहां बहुत ठंड होती है। हाँ, आप ना आगरा चले जाओ, लेकिन नहीं, आपको ताजमहल थोड़ी बनवाना है। शिमला नहीं, क्योंकि वहां पे हर कोई आता जाता रहता है। हाँ, आपको ना केरला जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं और भाभी ना आपके लिए टिफिन पैक कर देंगे, और आप और जीजा जी टाटा जुबली पार्क में जाके टिफिन खा के आ जाना। छोड़ो दीदी, आपका कुछ नहीं हो सकता है। ए भगीना, ये जरा देव जी को दे दो। अरे भाई साहब, कुछ तो रख लीजिए। नहीं, एकदम नहीं। अब काहे के लिए आप लोग इतना पीछे पड़े हुए हैं भैया, हमको नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि अभी तक हम आपको किसी बात को ना कहे हैं? आप लोग बैठिए बैठिए। ए जुगनू, कहा भाई, चाय वाय बनाना भूल गया? आ जाओ। हाँ, दे चाय। कहा है जुगनू? कुछ नहीं चाचा जी, बस अभी साफ करके आते हैं। एक मिनट बसंती, अजा के गुचल खाना वाला वाज बेसिन है ना, वहां पर लेके जाओ। जी बाबूजी, आइए भैया जी।
क्या हुआ भैया जी, क्या देख रहे हैं? बसंती, ये देव जी के बड़े भैया और भाभी घर से अलग रहते हैं, प्रॉब्लम क्या है? वो गुड्डी की हल्दी में तो आए थे, लेकिन देव जी की शादी के किसी भी विधि व्यवहार में नहीं आए, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? पूछना चाहते हैं बेटा? जो पूछना वो हमसे पूछिए, काहे के लिए इस नौकर सबसे पूछता है? अच्छा नहीं लगता है। और एक बात हम बता दें बेटा कि हम आपसे, मतलब आप घर में सभी से कुछ छुपाए थोड़े ना है, पूरा खुला किताब है हमारा पूरा घर, का पूछना है आपको इन सब? नहीं चाचा जी, वो बस क्या हुआ, क्या पूछना है? नहीं नहीं रजत बेटा, जो है हमारी नौकरानी से कुछ, हमारा बड़ा बेटा अयोध्या और बहू गुलकंद के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे, तो वही हम इनसे कहे कि जो पूछना है बेटा हमसे पूछ, खाए के लिए नौकरानी सबसे पूछता है। अरे क्या भाई, तुम क्या मर्यादा भूल गए हो क्या? ये क्या बेवकूफ जैसा बात कर रहे हो? समझी जी, समझी जी, एक मिनट, आप खाए के लिए इतना हम समझाते ना, अपना बच्चा है। रजत बेटा, आप काहे के लिए इन सब बातों में पड़ रहे हो? नहीं बेटा, ये सब लोगों से हमारा आप कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो काहे के लिए जानना चाह रहे हो और जान के क्या करोगे इन सब के बारे में? बेटा, इन सब के बाद जब हमारे घर पे होता है ना, तो हमको बहुत परेशानी होता, उथल पुथल होता है मन में, इसीलिए घर के अंदर हम स्ट्रिक्टली बोले हैं कि इनका कोई बातचीत नहीं होगा, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा। हाँ बेटा, ये लोग जो है ना, हमारी जिंदगी का ये लोग ऐसा मर्म बिंदु है, ऐसा ऐसा घाव है ये, कोई भी छूता है ना तो बहुत तकलीफ तकलीफ होता है। अजुकेश्वर बाबू, इसका तरफ से जो है ना, हम माफी मांगते हैं, पता नहीं क्या केमिकल प्रॉब्लम है इसके दिमाग में। अरे कम से कम माफी तो मांगो चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, वो माफ कर दीजिए चाचा जी। जोगेश्वर जी, माफी चाहते हैं। देखिए, आगे से कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपको तकलीफ हो, हम विश्वास दिलाते हैं आप, और इसकी गलती के लिए आप जो सजा देना चाहे हमें मंजूर। हे भगवान, आप ऐसा काहे बोल रहे हैं भाई? अरे भाई, माफ करना और किसी को सजा देना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्या के लिए हम सब भगवान के लोग हैं भाई, उनका बनाया हुआ धरती पर इंसान, और इंसान को कोई हक नहीं है कि किसी को माफ करे और किसी को सजा दे, है ना? अरे भाई, रहा रजत का सवाल, तो ये तो हमारा बेटा जैसा, और बेटा का ही तो बेटा ही है कि नहीं? तो और हाँ, आपसे एक निवेदन है, आप घर पहुंच करना, ये विषय पे रजत से दोबारा बात नहीं करेंगे, हाँ हमसे बात रखिए। जोगेश्वर बाबू, हम तो धन हो गए। नहीं नहीं नहीं, आप जैसा देवता पुरुष इस धरती पे है, ये सोच के हम धन्य हो गए। आप कुछ ज्यादा ही हमारा तारीफ पे बोल देते हैं। बहुत अच्छा आदमी है। कहा है ना जोगेश्वर बाबू, आपकी बात में कितना सीख होता है। अच्छा ये बताइए, हम सबका यहीं पर खड़ा रहेंगे? अरे हाल में चलिए। अच्छा प्लीज, हाँ ये सब बात वहां पर ना, 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 बिल्कुल नहीं ना, ना। आ, 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 हाँ भाई, आइए 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 आइए। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? ओहो, कुछ मर्दों का आपस में बात होता है, वही हो रहा था।
कहाँ बात कर रहे थे? बाद में बता दिया जाएगा तुम्हें। जोगेश्वर जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अरे ऐसा कैसे? अभी खाना वाना खा के जाइए भाई। वो कहा है कि बच्ची सब घर में अकेली हैं, अचाई बासा बहुत दूर है तो जाने में समय लगेगा। चाची जी, ये वो आंसर हम देना चाह रहे थे, प्लीज आप। ये किसके लिए है बेटा? ओह चाची जी, आप भी नहीं समझी। देव भैया ये गिफ्ट अपनी होने वाली वाइफ के लिए देना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक, हम दे देंगे। चाचा जी हमें माफ कर दीजिए। चुप रहो, हो गया सब भाई, बस तुम खुश रहो। अच्छा जोगेश्वर जी, एक विनती है, अगर ऐसे आप रख लेते तो बड़ा अच्छा लगता। ओहो समधी जी, आप भी ना। ठीक है, हम आपका मान रखेंगे और जरूर रखेंगे। ये लीजिए, ये हम ले लिए हैं अब भगवान का नाम पे, अब प्रसाद में चढ़ा दिया जाएगा, जय हो। ठीक है, ए जुगनू ये सब उठा के पहुंचवा भैया लोग का साथ दो। नहीं नहीं, हम ले लेंगे, ये हमको दे दीजिए, हम उठा लेते हैं। ले जाओ, चलो ले चलो। हाँ उठा लो, टोकरी उठा लो, चलो आज 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 प्रणाम। ले लो ले लो, आइए आइए, चलो चलो। अरे बाप रे बाप, बहुत ही डर गए थे हम तो। जोगेश्वर बाबू, अरे हमको तो ऐसा लग रहा था जोगेश्वर बाबू कि गया भैंस पानी। जसवाल जी, ये जो आपका मित्र है ना जोगेश्वर, ये समझ लीजिए कि उसका ऊपर ना ऊपर वाले का कृपा है, इतना आसानी से हम जो है ना भैंस को पानी में जाने नहीं देंगे। लेकिन बाबूजी, ये गुलकंद भाभी का ना कोई परमानेंट उपाय लाना पड़ेगा। अरे जब देखो मुंह उठा के आ जाती है और हमारी जान आफत में डाल देती, ऐसे लगता है कभी भी ना हमें फांसी पर लटका देंगी वो। जसवाल जी, गुलकंद पर ना ऐसा फंदा डालना पड़ेगा कि शादी तक हम चैन का सांस ले सके। माँ और बताइए ना, वहाँ क्या क्या हुआ? अरे सब तो बता दिए हैं, आपका मन घड़ंत कहानी बना के सुना दें। आप दोनों इतना परेशान काहे हैं, रास्ते भर भी चुपचाप थे। दीदी जानती हैं, आज तक ये रिश्ता जो है ना जाते जाते बचा है, समझिए केमिकल प्रॉब्लम हो गया था। मतलब क्या हुआ? अरे भाई शक की भी कोई सीमा होती है, और रजत के ना तो सर पे भूत सवार है शक का। पता क्या किया उसने? इतना सब हो गया और आप हमको बताए भी नहीं। ये लड़का भी ना पता नहीं इसके दिमाग में का का चलता रहता है। अरे ये तो भला हो जोगेश्वर बाबू का, अरे उनको इस बात का बुरा नहीं लगा, कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किए, वरना पता नहीं कहा हो जाता। रजत ये का किए तुम? अरे का पूछताछ कर रहे थे वो भी नौकरानी से? माँ गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। तुमको मना किए थे ये सब करने के लिए, फिर भी तुम? मामा जी, पापा माफ कर दीजिए, आगे से हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सुनिए ना, माफी मांग रहा है तो अभी माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं करेगा ऐसा। पापा प्लीज भैया को माफ कर दीजिए। देखिए अब तो वो आपसे माफी भी मांग रहे हैं।
भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत फिक्र है हमारी, इसीलिए तो उन्होंने ये सब किया। लेकिन किसी के बारे में पूछताछ करने से पहले 10 तरह की चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, खास तौर पे जब बात रिश्ते की हो। पापा ये लीजिए। ये क्या? वो हमारी तरफ से पायल की शादी के लिए। रजत बेटा इतना पैसा कहां से लाए? ए भगना, कहीं मार्केट से कुछ पैसा तो नहीं उठा लिए तुम? रजत इतना रुपया कहां से आया? पापा वो हमने अपना अंगूठी, अपना चेन और अलका के जेवर बेच के जेल आए। लाए पागल हो गए हो क्या? सही में ना तुम जड़ बुद्धि हो, कभी भी कुछ भी कर बैठती। रजत बेटा का जरूरत था ये सब करने का? एक काम करो, अभी की अभी ये पैसे लेके जाओ, वो सारे जेवर वापस लेके आओ। पापा हम ये किए क्योंकि हम आपका मदद करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं ना वैसे हम नहीं कर पाते। हम आपका वो लायक बेटा नहीं है। एहसास है मैं उस बात का, लेकिन हम अपनी बहन की शादी में आपका मदद करना चाहते हैं पापा। हमारी नजरों के सामने ये जेवर इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन इस समय इस पैसे की जरूरत है पापा। और वैसे भी हम ये सब कहां पहनते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, एक दिन खरीद लेंगे पापा।